वेलकम टू इनटाउन चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जिद्दी दिल को, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, स्टोरीज सब डाले, तो आप बताएंगे मीन्स इतना न्यू कमर्स के साथ आप काम कर रहे हो तो कैसे लग रहा है? नहीं यार, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ऐसे नहीं है कि हमारे शो में ज़्यादा करके न्यू कमर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एक्सपीरियंस एक्टर्स। लाइक शालिन ने बहुत काम किया है, कुणाल ने सबसे ज़्यादा काम किया है, वो मेरा भी सीनियर है एक्चुअली। एंड फिर कावेरी इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस एक्टर। तो ऐसे देखा जाए तो न्यू कमर्स में अगर देखा जाए तो संजना मतलब दिलजोत इज़ अ न्यू कमर, उसका पहला शो है ये। एंड बाकी तो सुबोध गुलाटी जो उस्ताद जी बने हैं हमारे शो में, वो भी काफ़ी बहुत पुराने एक्टर हैं, थिएटर एक्टर हैं, बहुत सारे फिल्मों में भी आ चुके हैं, वेब सीरीज़ में भी आ चुके हैं, बंटी बबली जैसे पार्ट टू में वो थे। तो ऐसे बहुत सारे, इवन बाला का ये पहला शो है अगर मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है उसका ये पहला ही शो है। एंड सुमन जी और चित्रा का भी मैंने आज तक इतना कुछ देखा नहीं, बट आई थिंक दे आर ऑल्सो लाइक दे हैव डन कपल ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट थिंग। तो सुमन जी मतलब एक सत्यगीति का तो थिएटर बैकग्राउंड है, तो आई थिंक उनका भी टेलीविजन का मुझे लगता है शायद से, आई एम नॉट श्योर, बट शायद से उनका ये फर्स्ट शो हो सकता है, मुझे श्योरिटी नहीं है जितना मुझे पता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करना और एक न्यूबीज़ के साथ काम करना, इट्स लाइक यू नो इट्स ऑलवेज अबाउट द गिव एंड टेक, कि किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रहा है, किस तरीके से स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं। एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट पीपल आर लविंग आवर शो, लोग हमारा शो देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से व्यूअरशिप थोड़ी कम आ रही है, तो ज़रा ज़्यादा देखिए हमारा शो, क्योंकि TRP की हमें बहुत ज़रूरत है, हमें भी सर्वाइव होना है इस शो में, आपको भी, हमें एंटरटेन बहुत कुछ करना है अलग अलग स्टोरीज़ के साथ, अलग अलग मिशन के साथ। हाँ कुछ हैं थोड़े TRP ऊपर नीचे जा रहे हैं, बट वी आर होपिंग दैट वील कम अप बैक विथ अच्छे और कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके पास। एंड बस आप हम पर भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि आपके भरोसे पर हमारा भरोसा टिका हुआ है। फैजी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मीन्स आपका जो किरदार है इस शो में, तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। फैजी ये कैरेक्टर ही ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा ऐसा होगा नहीं, बट या इसके ऊपर जान डालना और इस कैरेक्टर को थोड़ा पुश करने में मैं अपने आप पे वो एक क्रेडिट लूँगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत जान डाली है। इस कैरेक्टर को समझने में मुझे थोड़ा एक डेढ़ महीना लगा, बट जब समझा, जब पढ़ लिया इसे, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है और ये इसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते, क्योंकि इसके बहुत सारी शेड्स है। एंड मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि आज लोगों को फैजी हर लोगों के घर घर में, उनके दिलों में बसा हुआ है। एंड वो उन्हें हंसाता है, वो उन्हें रोमांटिक मूड में रोमांस भी करवाता है, उन्हें रुलाता भी है, उन्हें इंस्पायर भी करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब मैं, मुझे याद है मैं जब मॉल्स में भी जाता हूँ तो लोग आज मुझे फैजी फैजी करके चिल्ला के मुझे बुलाते हैं, तो लगता है जब लोग फैजी को बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड आज फैजी मतलब मुझे याद है मैं जब थिएटर्स में भी जाता हूँ, मूवीज़ देखने के लिए जाता हूँ, या फिर मैं कहीं मॉल में या फिर कहीं पे, तो आज भी लोग मुझे आदित्य के नाम से कम जानते हैं जितना वो मुझे फैजी फैजी करके जानते हैं। तो एक उनका सबका प्यार है, एंड कहीं ना कहीं हम सबकी मेहनत है इस शो को बरकरार रखने की और आप सबको एंटरटेन करने की। एंड मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही इस शो को देखते रहिए, ऐसे ही हमारे शो की TRP जो थोड़ी कम हुई है उसको थोड़ा बढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरत है अभी हमें। आज तो ऐसा है कि मुझे संजू से कॉल आता है, एंड वो किसी एक लोकेशन को फ़ोन का नंबर मुझे देती है, फ़ोन नंबर देती है, एंड वो मुझे ट्रेस करने के लिए कहती है, एंड वो मैं ट्रेस करता हूँ और मैं उसे बोलता हूँ कि ये एक ऐसे ऐसी जगह से वो फ़ोन ट्रेस हुआ है, जबकि फैजी को कुछ भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है, क्योंकि हम लोग एक्साइटेड है उसकी शादी के लिए और कल उसकी शादी है, तो कल हम सब जा रहे हैं अकेडमी में, ऐसा मैंने उसे कहा है कि हम अकेडमी आ रहे हैं, अकेडमी के सारे लोग हम लोग जा रहे हैं उसकी शादी में, तो उसने भी मुझे बुलाया है। अभी देखते हैं कि क्या उसमें क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, इट्स लाइक हमारे लिए भी वो बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं, एंड वो सारे सरप्राइजेज़ अभी वहाँ पे जाके खुलने वाले हैं, तो देखते हैं। अच्छा
शादी की बात की जाए तो मोनामी और करण भी, उनका भी लव एंगल चल रहा है। सो उनको पूछते हैं कि जब वो तैयार होके निकलती है तो उस चीज़ का क्या होगा। अभी तो मुझे इतना पता चल गया कि एक ऐसा अभी पॉइंट आ गया कि थोड़ा इन दोनों में हंसी मजाक नाराज़गी थोड़ी होती है, लाइक हर कपल में होती है वैसे। तो अभी करण थोड़ा नाराज़ है, मतलब लाइक शायद से कुछ कहा सुनी हुई रहेगी तो, एंड उसके वजह से करण चाहता है कि अभी कैसे उसे मैं मनाऊँ। तो फैज़ी के पास आता है तो फैज़ी उसको बोलता है कि यार तू भी थोड़ा अपना दिल बड़ा रख एंड जाके बोल दे उसे कि तू क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखा कर यार, मतलब लाइक ऑफकोर्स तू उससे अगर प्यार करता है, उससे अगर तू आगे जाके शादी करना चाहता है एंड ऑल दैट थिंग, तो ये सब है इसके ऊपर सीक्वेंस है। तो मेरी बात हुई है संजना से और संजना को मैं बोलता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं कल तुम्हारे शादी में, तो एकेडमी के सारे लोग हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं शो में, किस तरीके से क्या माहौल होने वाला है, बहुत सारे सरप्राइजेज होंगे या नहीं होंगे, तो वो उसके लिए हाँ मैं खुद सरप्राइज हूँ अभी, मुझे कुछ पता नहीं है। तो क्या सरप्राइजेज मेरे सामने खुलने वाले हैं फैज़ी के सामने करण के सामने, तो ये हमें कुछ भी नहीं पता है क्योंकि आगे की स्टोरी क्या आने वाली है या हमारी तरफ नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे भी अलग शूट हो रहा है यहाँ पे अलग शूट हो रहा है। अच्छा देखा जाए, आपने बोला था कि आपको कोई नंबर फाइंड करना रहता है, मीन्स हैक करना रहता है जिसमें बताया गया है, तो ये क्या रहता है ये पूरा जो जिसमें करण भी आता है देखता है कि कौन से नंबर से कॉल आता है, वो जो पूरा बताया वो सिनेरियो सीन बताएंगे आप? नहीं ये करण को नहीं आया था, इससे मुझे उसने संजू ने भेजा था जो मैंने आपको मैंने अभी जस्ट मैंने बताया था कि कुछ नहीं, वो जो एक नंबर कॉल दिया है उसने नंबर दिया है मुझे एंड मैं वो नंबर ट्रेस करता हूँ और वो मुझे उसे बताना पड़ता है कि यार ये आया इस एरिया से आया है कॉल। तो मैंने बोला कि यार वो नंबर उस वक्त थोड़े टाइम के लिए किसी ने फ़ोन स्विच ऑन रखा था, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो अभी देखते हैं उसके बारे में, क्योंकि फैज़ी इज़ लाइक नट्स अबाउट दिस थिंग राइट नाउ, उसे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ एक नंबर बोला गया है, मेरी स्पेशल एजेंट है उसने मुझसे मांगा है कि इस नंबर का अगर आप ट्रेस कर सकते हो तो एज़ कोलीग और एज़ लाइक वी आर इन टू सेम लेवल, तो आई कैन एक्चुअली जस्ट गो आउट देयर स्पीक टू माई कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड आई जस्ट टेल देम टू टेक डाउन दिस नंबर एंड ट्रैक इट ये कहाँ से है। तो यार हमारे कंट्रोल रूम भी है अच्छे खासे, तो वहाँ से पूरा डेटा ट्रैक होता है, ट्रेस होता है, नंबर ट्रेस होता है, पता चलता है किसने कौन से टाइम में फ़ोन किया था, कौन से टाइम में वो कहाँ पे है, कहाँ पे फ़ोन छोड़ा होगा स्विच ऑन करके या स्विच ऑफ करके, वो भी डेटा पता चल जाता है। क्योंकि फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी होता है तो भी उसका एक नंबर होता है जो जिससे आप ट्रेस कर सकते हो, फाइंड माई फ़ोन जैसा एक फ़ीचर है आज के डेट में, तो आप स्विच ऑफ करके भी आप अपने फ़ोन को एक एक चिप होता है जिसे आप ट्रेस कर सकते हो, तो बहुत कम लोगों को पता होता है। सिंपल को कितना मिस कर रहे हैं बहुत। मैं अभी मैंने 10 मिनट पहले मैंने यहाँ पे आपसे मिलने से पहले मैंने उनसे बात की थी, आज उनके पिताजी का बर्थडे है तो आने वाली वो 4 या 5 दिन में आने वाली है, मेरा बात अभी हुआ था एंड मैं उससे बहुत मिस कर रहा हूँ एंड शी इज़ ऑल्सो मिसिंग द शो, शी वॉन्ट्स टू कम वेरी सून एंड वही चल रहा है यार, अभी जैसे आएगी देखते, क्योंकि मुझे बहुतों ने मुझे बताया कि यार कोयल और फैज़ी के सीन्स कब आ रहे हैं, क्योंकि दे आर सेइंग यहाँ पे दो कपल के रोमांस चल रहे हैं, हमें कोयल फैज़ी का रोमांस कब देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है सॉरी तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपका वेस्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी आपको देखने मिलने वाला है एंड मैं भी यही होप कर रहा हूँ कि कोयल जल्दी आ जाए एंड हमारे कुछ रोमांटिक सीन्स आ जाए। ज़्यादा ज़्यादा फैंस के लिए क्या मैसेज है जो जिद्दी-दिल को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं? बस यार हमें आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है एंड इट्स अ वेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ शो देखिए, टाइम पे देखिए, 8 बजे देखिए, हमें TRP की बहुत ज़रूरत है ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। प्लीज़ देशमुख एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इन टाउन एंड कीप वॉचिंग आवर शो जिद्दी-दिल मानिना ओनली ऑन सोनी सब मंडे टू सैटरडे @8 PM।